الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا کہ ہوگا میری غیبت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤگے بھیا یاد آؤگے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ایمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو سہرا دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا یاد آؤگے بھیا ہے زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا اتنا تھا خیال آپ کو پیدے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو
की लहद पे अब देखेगी ज़ैनब के खुले सही को ये दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना याद आओगे भैया है याद आओगे भैया ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया आज खाहे रजा की कहाँ चल बसी अब तो बतला दे कोई कहाँ चल बसी आज खाहे रजा की कहाँ चल बसी अब तो बतला दे कोई कहाँ चल बस खुम में आई थी वो ढूंढती भाई को खुम में आई थी वो ढूंढती भाई को तलमलाने लगी थी कहाँ चल बसी अब तो बतला दे कोई कहाँ चल बसी आंसू थमते न थे छूट कर भाई से आंसू थमते न थे छूट कर भाई से भाई को रोती रोती कहा चल बसी अब तो बतला दे कोई कहाँ दिन हो क्यों कहे बसर भाई से छूट कहे दिन हो क्यों कहे बसर भाई से छूट कहे सोचती ही रही कहाँ चल बसी अब तो बतला दे कोई खम करे अब जबी यावरे दिल हजी खम करे अब जबी यावरे दिल हजी ये तो बतलाओ बीबी
कहाँ चल बसी, अब तो बतला दे कोई कहाँ। आज खाहे रजा की कहाँ चल बस। आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा बाबा। चूर जख्मों से हुई तेरी सकीना बाबा, आपके बाद मुझे शिमर ने मारा। मुझको इस जुर्म पे जालिम ने तमाचे मारे, मैंने बस आप का सर शिमर से मांगा बाबा। मैंने बस आप का सर शिमर से मांगा। कैसे इस खाक के बिस्तर पे मुझे नींद आए, माँ की आगोश है ना आपका सीना बाबा। माँ की आगोश है ना आपका सीना बाबा। मुँह के बल दौड़ते नाखे से गिरी थी जब मैं, शिमर ने बालों से तब मुझको उठाया बाबा। शिमर ने बालों से तब मुझको उठाया बाबा। आपको वास्ता दादी का मुझे ले जाओ, अब मुझे और नहीं रहना है जिंदा। तुमने जिस बेटी को मांगा था नमाज़े शब में, उसको जालिम ने कनीजी में है मांगा। समझ के रहे रा सताया गया सकीना को, समझ के रहे रा सताया गया सकीना को। कदम कदम पे रुलाया गया सकीना को, समझ के जहरा सताया गया।
किया किसी ज़ालिम ने जब कनीज़ी में छुपा लिया उसे ज़ैनब ने अपनी गोदी में न पूछो कैसे बचाया गया सकीना को न पूछो कैसे बचाया गया वो पूछते ना खापे तनहा वो तेज़ रफ्तारी संभलती कैसे सफर में हुसैन की प्यारी गिरी नहीं है गिराया गया सकीना को गिरी नहीं है गिराया गया सकीना को सरे हुसैन को तकते थे आबिदे मुज़्तर तड़पने लगती थी गाजी की लाश दरिया पर तमाचा जब भी लगाया गया सकीना को तमाचा जब भी लगाया गया वो अपना हाल यतीमी सुनाने आई थी पदर की लाश से पत्थर हटाने आई थी लगा के दुर्रा हटाया गया सकीना को लगा के दुर्रा हटाया गया सकीना रुबाब बन ये तुर्बत पे आके करती थी गरीब हो गई कितनी हुसैन की बेटी गली गली में फिराया गया सकीना को जब बाप का लाशा तो सकीना रोई शिमर ने मारा जो दुर्रा शिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई ना मिला पानी उसे आग बुझाने जल गया भाई का झूला जल गया भाई का झूला तो सकीना ओढ़ कर सर
पे रिदा का ने में दुर पहने हुए ओढ़ कर सर पे रिदा का ने में दुर पहने हुए सामने आई जो रमला सामने आई जो रमला तो सकीना रोई देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई मार कर सैयद मजलूम के होटो पे छड़ी जब हसा जब हसा कि मैं कूफा तो सकीना क्या सकीना हो तुम्हें इतना बता दो बीबी क्या सकीना हो तुम्हें इतना बता दो बीबी हिंद ने आके जो पूछा हिंद ने आके जो पूछा तो सकीना चाहती थी के वो ले आए उसे खैमे में चाहती थी के वो ले आए उसे खैमे में बाप का लाशा न उठा बाप का लाशा न उठा तो खैद में सुनते हुए बाप के सर से लोरी जख्मी होठों को जो देखा जख्मी होठों को जो देखा तो सकीना वसत शऊर गदाए रजा अमीर आते हैं वसत शऊर गदाए रजा अमीर आते हैं खुदा ने भेजे हैं जो खुद सफ़ीर आते हैं दरे मासूमए खुम से खैरात मांगने दरे मासूमए खुम से खैरात मांगने फरिश्ते अर्श से बनकर फ़कीर आते हैं जब गुल हुआ चिरागे हरम कैद शाम में जब गुल हुआ चिरागे हराम कैद शाम में यानी सकीना मर गई आधे इमाम में देखे सितम यजीद के दरबार आम में शह के सलाम को गई दारुसलाम में दुनिया में दादरसना
मिला दाद खाह को, जाके नशां तमाचों के दिखलाए शाह को, जाके नशां तमाचों के दिखलाए शाह को। गुल पड़े गया हुसैन की आशिकन की खजा, बानू ने नब्ज देखी तो पाया नदम जरा, चिल्लाई सदके जाओ मुझे दे गई दगा, अपनी कही ना मेरी सुनी हाय क्या किया, असगर को कुछ पयाम भी मैंने दिया नहीं, तुम चल बसी और हमने रुखसत किया नहीं, तुम चल बसी और हमने रुखसत किया नहीं। असगर की भूली बातें सुना वो निसार माँ, अकबर का जिक्र करके रुला वो निसार माँ, सीली कानील माँ को दिखाओ निसार माँ, बाबा को जाके दर पे बुलाओ निसार माँ, मातम के गुलगुले हैं नरोने के जोश है, बीबी जो अब खामोश है तो सब खामोश है, बीबी जो अब खामोश है अम्मा की प्यारी बाबा की प्यारी जबां को खो, शरबत मलाई मेरी प्यारी दहां को खो, मारो रही है दीदे गौहर फेशां को खो, मेहमा बंधे गले से न जारी इस माँ को खो, दादी कूड़ेगी बीबी की जुल्फे सवार दो, लो उठो ये फटा हुआ कुर्ता उतार दो, लो उठो ये फटा हुआ शाम को मेरे बाजू पे सर धरा, मैं समझी थी के कानों का कुछ दर्द काम हुआ, आई है आज सोने को खुद मेरी महलका, इस दर्द ला दवा की खबर थी न मुतलका, आबाद गोद की थी मेरी खाली करने को, सोई थी आज बीबी मेरे पास मरने को, सोई थी आज बीबी मेरे पास मरने को, कुबराने मुँह को डाल के अकबर जुदा ना होते थे बाबा से एकदम, असगर से और तुमसे बहलता था मेरा दा, अब ना उम्मीद हो गए दोनों तरफ से हम, दुखिया रे मेरे दुखी सदा खाएंगे कसम, तकदीर कैसी फिर गई मुझे खास हाल की, वो छः महीने के गए तू
तुम चार साल के वो छह महीने के गए तुम चार साल के। अलखिस्सा उस जनाजे को लेकर चले हरम मानिंद शामियाने के खोले हुए अलम जग मकबरे में शाम के पहुँचे असीर गम और ख़ब्र में वो मुर्दा उतारा बचश्मनम बालाए ख़ब्र अहले हरम रोए शोर से आवाज़ आई बच्चे के रोने की गौर से झुक झुक के देखा बेवो ने तो ये नज़र पड़ा बैठे हुए हैं ख़ब्र में सुल्तान करबला असगर है उनकी गोद में काहिर को रो रहा ज़ैनब ने लेके हाथों पे मुर्दे को ये कहा अपनी निशानी दख्तर खैबर शिकन से लो लो भाई जान अपनी अमानत बहन से लो। ये सुन के बानु गिर पड़ी गश खा के एक जान और सबने दफन मैयत मासूम को किया बानू को होश आया तो वो देखती है क्या पानी से तरबतर है मजार एक नन्ना सा बिजली खलक बिजली खलक की सब्र के खरमन पे गिर पड़ी बिजली खलक की सब्र के खुरमन पे गिर पड़ी बिस्मिल की तरह दौड़ के मदफन पे गिर पड़ी सोते हैं आशा है खुरासा मजार में सहते रहे जफाए जहाँ के दियार में सम का असर हुआ जो तने बेखरार में बेजान हो के सो गए मौला मजार में मामू ने सम खिलाया था खा गुजर गए गुरबत में हाय तू उसके सुल्तान मर गए गुरबत में हाय तू उसके सुल्तान मर गए भूलेगा ये जहाना तड़पना इमाम गा मसमूम होके दर्द वो सहना इमाम गा तन्हाई में जहाँ से गुजरना इमाम गा गुरबत में हाय दफन वो होना इमाम गा भाई को मौत खबर में है सुला गई खाहिर वतन से ढूंढती भाई को आ गई खाहिर वतन से जाए बेवतन अरे भाई तुमसे मिलने को आती है ये बहन पहुंची खरीब खुम के जो वो मुर्दे में है पाई खबर के मर गए बेकश है जमा पाई खबर के मर गए बेकश
की तड़प गई, खामोश हो गई मासूमा है सदमे से, बेहोश हो गई मासूमा है सदमे से, बेहोश हो गई। आया जो होश बोली के भैया कहाँ गए, छोड़ा मरीज़े गम को मसीहा कहाँ गए, सह सह के जुल्म ऐशे वाला कहाँ गए, किस्मत ढूंढे तुमको ये दुखिया कहाँ गए, किस्मत ढूंढे तुमको ये जाए तुमसे मिलने को, हम शीर आई है तुम सो गए मजार में, भैया दुहाई है तुम सो गए मजार में, हाकिम बेहतरा सब थे सियाह पूछ के थामा तमे इमाम, मासूमा की सवारी थी मजमा हुआ तमा, सर को झुका के सबने कहा आपको सलाम, बोले सलाम लीजिए गम खार आए हैं, पुरसा कबूल कीजिए आज़ादार आए हैं, मकान में किया खास एहतमाम, और बीबी को उतारा वहाँ बासद एहतराम, भाई के गम में रोती थी मासूमा नेक नाम, आँखों से अश्क जारी रहे आह सुबह शाम, कहती थी मर गए मेरे मजलूम भाई जान, जग से गुजर गए मेरे मजलूम भाई जान, जग से गुजर गए मेरे मजलूम भाई जान, मजार से तशरीफ लाइए, भाई बहन से मिलने को जन्नत से आइए, दीदार भाई जान बहन को दिखाइए, भैया बहन तड़पती है अब रहम खाइए, भैया बहन तड़पती है अब रहम खाइए, दिल हाय डूबता है मेरी जान जाती है, आ जाओ जल्द गम से मेरी जान जाती है, आ जाओ जल्द गम से मेरी जान जाती है, गम में भाई के सदमा हुआ कमा, आखर अलील हो गई शहजादी खुशकसाल, बिस्तर से उठ ना सकती
نخاہت کتھائے ہاں آخر فریش ہو گئی دل پر لیے ملا آخر فریش ہو گئی بیہار جہاں سے گزر گئی پاتی ہے بی بی دہائی ہے غربت کی خاک پاتی ہے بی بی دہائی ہے پاک پہ
शमशेर जले, ज़ैनब के तड़पते हुए तस्वीर जले, माँ बहने सफर पहुंची जो रोती हुई खुम पर, देखा तो खयामत है बाबा शोर है घर घर, देखा तो खयामत है बाबा शोर है घर घर, नागा किसी ने ये खबर सबको सुनाई, आई है बहन बेकसो मजलूम रजा की, है सख्त परेशान दो आलम की खुदा ने, मिलने के लिए भाई से निकली है सवारी, दीदार भी देखा नहीं मक्तूले जफा का, पुरसा दो चलो मिलके गरीबुल गुरबा, पुरसा दो चलो मिलके गरीबुल गुरबा का, सर अपने झुकाए हुए आते हैं वफा को, चेहरों पे मली खाक बड़े मिलके सियापो, चेहरों पे मली खाक बढ़े मिलके सियापो, महमिल जो नजर आई तो मातम का हुआ जो, मासूमा के दिल हिलने लगा उड़ने लगे हो, फरमाया रे जल्द कहो किसकी अज़ा है, दुनिया में सलामत तो मेरा भाई रजा, दुनिया में सलामत तो मेरा भाई रजा है, क्या कहते उड़ाने लगे सब अहले अज़ा खाक, है हाथ के दिल हो गए मासूमा का दिल सच्चा, मरखद में बुका करने लगे सैयद लौला, फरियाद की वो सबने के दिल हिलने लगे अफला, फरियाद की वो सबने दोहलने लगे अफला, चिल्लाए के शह कौनो मकामर गए बीबी, गुरबत में इमामे दो जहां मर गए बीबी, गुरबत में इमामे दो जहां, ये सुनते ही एक जख्म लगा खल्प कारी, मासूमा पे एक गश्क गश्क का सालम हुआ तारी, भाई मेरे भाई की सदा लपे हजारी, सौगम से उतारी गई मुस्तर की सवारी, बीवी को जो सदमे से नहीं कयारा, लाशे की तरह मिलके कनीजों ने उतार, लाशे की तरह मिलके रखे खल्ब पे सौजब्त का पत्थर, क्या गुजरी कहो साफ मेरे भाई रजा पर, क्या मिसले हुसैना चला हल्क पे खंजर, या जहर से मारा गया मजलूम बिरादर, बाबा की तरह कत्ल किया भाई को मेरे, क्या गोरो कफन भी न दिया भाई को मेरे, क्या गोरो कफन भी न दिया भाई को मेरे, चिल्लाए के बेजुर्म गिरफ्तार को मारा, मरहूम के गमखार
सितमगार ने बेयार को मारा, जहरे सितमो जोर से सरकार को मारा। कौन इनके सरदार को मजबूर बनाया, जालिम ने भरा जहर से अंगूर खिलाया, जालिम ने से जहरा निकलाई, घर आके तड़पने लगी बिस्तर पे शहेदी, यूं तड़पे के सदबारा हुआ पाँव से खाली। ये सुन के बिरादर की तरह बीवी भी तड़पी, कुछ रोज तड़पती रही दर्द की मारी, एक दिन लवे फरशाई ये चिल्लाई मैवारी, एक दिन लवे फरशाई ये चिल्लाई मैवारी, भाई हो जहां बहन को भी बुला लो, अब जल्द इस आवारा वतन को भी बुला लो, भाई मेरे पाबंदे बहन को भी बुला लो, जैनब के लिए सूखता तन को भी बुला लो, हमशीर की मैयत भी उठाते न गए आप, दीदार भी खाहिर को दिखाते न गए, दीदार भी खाहिर को दिखाते थी के हुआ नजर काला, आहिस्ता नगी करने लगी भाई कमाता, फिर सुए फलक देख के एक आह की पुरगा, बेजा हुआ तन आंखों से भी जाने लगा दाम, सर पीटो के मासूमा खजा कर गई शियो, हम शीरे गरीबुल गुरबा मर गई शियो, हम शीरे गरीबुल गुरबा मर गई शियो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا و مولى الكونین جد الحسن و الحسین ابی القاسم محمد ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین و غاصب حقوقهم و منکری فضائلهم و مصائبهم و ولایتهم اجمعین
اما بعد فقد قال امام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا اخت ولی اللہ السلام علیک یا امت ولی اللہ السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمہ اشفعی لی جنہ اللہم شان من الشان اللہم اجل لولیک الفرج مولانا صاحب الزمان عزیزان گرامی تمام نوح خانان مرسی خانان علماء کرام مراجع کرام جہاں جہاں مومنین اور مومنات فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرش اعضا کا اہتمام کیے ہوئے ہیں بالخصوص آج کے جو بانی نے جس فرش اعضا کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات کی اضافی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد اور عظمت معصوم خم کے اوپر بلند ترین صلوات پڑھے محمد یوسف زہرا تاجیل امام زمانہ کے لیے بلند ترین صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی جس فرش اعضا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس فرش اعضا کا ہم اہتمام کیے ہوئے ہیں آیت اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں 14 صفات بیان کیے ہیں جو فرش اعضا پر یعنی اہتمام کرتے ہیں آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں 14 چیزیں بیان کی گئی ہیں جس میں سے ایک چیز یہ ہے بتایا گیا ہے کہ 5 ہستیاں جو فرش اعضا پر آ کر بیٹھتا ہے تو معصومین میں سے 5 ہستیاں اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں خیر کا مطلب کیا ہے خیر کا مطلب جب اہل بیت سے یا قرآن سے اگر پوچھا جائے تو خیر کا مطلب یہی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب پر باقی رہنا آپ جب جو ہیں نماز میت میں بھی جب پڑھی جاتی ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا میں نے مرنے والے کے لیے یعنی خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھا ہے تو خیر سے مراد یہاں پر آپ احادیث بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں روایتیں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ خیر سے مراد جو ہیں یہاں پر ہم ولایت کے اوپر باقی رہنا تو عزیزان گرامی اہل بیت اہل الصلاۃ والسلام بھی ہمارے لیے جو فرش اعضا پر بیٹھتا ہے وہ خیر کی دعا کرتے ہیں اور بھی مطالب جو ہے خیر سے اور بھی جو ہے منسوب کر سکتے ہیں لیکن مہم ترین چیز جو ہے یہی ہے عزیزان گرامی جس کی آج شب شہادت ہے ان کے متعلق سے میں نے جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی ایک زیارت کا شہزادی کے لیے سند بنی ہوئی ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ السلام علیک یا امتا ولی اللہ السلام علیک یا اخت ولی اللہ السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر اور آگے فقرے ہیں زیارت کے اور اس آگے فقروں کے ساتھ ایک فقرہ یہ بیان کیا گیا ہے یا فاطمہ لی اشفعی یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ اللہم شانم من الشان عزیزان گرامی یہ جو زیارت کے فقرے ہیں شہزادی کے لیے شہزادی کی عظمت کے لیے یہ فقرے کافی ہے کیونکہ معصوم خم کو کے متعلق ہم جاننے سے پہلے خم کی فضیلت کو جاننا ضروری ہے اللہ ہم سب کو بار بار حج و زیارات سے مشرف فرمائے اور بالاخص
खुम में जाकर हमें जो चीज़ें जो मारिफ है उसे हासिल करने की हमें तौफीक इनायत फरमाएँ। खुम के लिए बयान किया गया है कि हुश आल मोहम्मद, खुम शहर खुम आल मोहम्मद का आशियाना है और इसी शहर के लिए ये रिवायतें मौजूद हैं, इन्ना लिल्लाहि हरमन वले रसूल ही हरमन वले अमीरल मोमिनीना हरमन, यानी ये बयान किया गया है अल्लाह के लिए जो हरम है वो क्या है, मक्का है, और रसूल के लिए जो हरम है वो मदीना है, और अमीरुल मोमिनीन के लिए जो हरम बयान किया गया है वो कूफा है, और हमारे लिए जो जो है हरम करार दिया गया है वो खुम है। और यहाँ पर एक इसी आइम्मा से ये खातून यहाँ पर दफन होगी और उस खातून की वजह से तमाम शिया जो है जन्नत में बहिश्त में करार दिए जाएंगे। ये खुम की फजीलत है। और भी बहुत सी रिवायतें हैं मद्देनज़र रखते हुए चंद चीज़ों को आपके हवाले करूं। मासूम खुम के जो अलखाबात जो बयान किए गए हैं, नाम क्या है, फ़ातिमा, नाम क्या है, फ़ातिमा, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के चार बेटियां बयान की गई हैं जो जिन्होंने इमाम ने पूरों का नाम जो है क्या रखा है, फ़ातिमा ही रखा है, फ़ातिमा कुबरा, फ़ातिमा सुगरा, फ़ातिमा उस्ता, फ़ातिमा उखरा, ये सब चीज़ें जो है सिर्फ, लेकिन नाम क्या है, फ़ातिमा है। अलखाबात में देखिए एक मासूमा, दूसरे जो है करीम अहले बैत, तीसरे जो है आलिम आले मोहम्मद, चौथे जो है यानी शफीए रोज़े जज़ा मुहद्दसा, ये भी जो है शहज़ादी के अलखाबात में से बयान किए गए हैं। अज़ीज़ा निगरामी, मासूमा लफ्ज़ मासूमा से मासूमा यानी क्या है, यानी तमाम जो है क्या गुनाहों से महफूज रहना, दूर रहना, यानी इसी से इस्मत है। अज़ीज़ा निगरामी, यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि सवाल करने वाला ये सवाल कर सकता है क्या मासूम खुम क्या इस्मत पर फ़ायज़ है, बेशक इस्मत पर फ़ायज़ है बग़ैर कोई शक के जो है जनाब मासूम खुम जो है यानी इस्मत पर फ़ायज़ है, क्योंकि ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस आकर ये कह रही है मंजारल मासूमा वजबल्लहुल जन्ना, यानी जो कोई जो है मासूम खुम की ज़ियारत करेगा उसके लिए जो है जन्नत वाजिब है, उसे जो है जन्नत जो है करार, उसके गुनाह बहुत से जो है इस ज़िम्न में जो है रिवायतें मौजूद है, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, उसे जो है बहिश्त जो है बहिश्त में करार दिया जाता है, तमाम चीज़ें। तो अज़ीज़ा निगरामी, यहाँ पर इस्मत जो है इस्मत इस्मत सुगरा है, इस्मत कुबरा नहीं, इस्मत कुबरा जो है चहरदा मासूमिन अलैहिस्सलाम की ज़ात है, लेकिन अज़ीज़ा निगरामी और भी चीज़ इसके लिए यानी एक दलील के तौर पर यह बयान किया जा सकता है, मासूम का जो है गुस्ल व कफन और दफन मासूमी कर सकता है। तो शहज़ादी का जब इंतकाल हुआ था तो जो है दो हस्तियाँ तशरीफ़ लेकर आए, उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, उन्होंने जो है दफन भी किया है। तो अज़ीज़ा निगरामी, इससे जो है
इस्मत की जो है बात वाज़ हो जाती है, बिल्कुल जो है मासूमा जो है यानी इस्मत के दर्जे पर फायज है। सबसे बड़ी चीज़ सनद जो है खुद इमाम रज़ा की हदीस जो बयान की गई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो लफ्ज़ मासूमा के लिए जो ये चीज़ें बयान की गई हैं, अब आ जाइए उसके बाद जो करीम अहले बैत एक ही माह में दो दो करीम जो है इस दुनिया में वजूद आए हैं, एक बहन और दूसरे भाई, दोनों की विलादत एक ही जो है माह में हुआ है, तो लिहाजा इन्हें जो है करीम अहले बैत कहा गया है। अज़ीज़ाने ग्रामी, करीम अहले बैत ये वो हस्तियां हैं, ये वो हस्ती है कि आयतुल्लाह है मरशी नजफ़ी के वालिद मोहतरम, उन्होंने क्या किया कि 40 दिन जो है मस्जिद चहला में जाते हैं और छिल्ला बांधते हैं यानी इबादत करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुझे शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि असल खबर की जो है मुशख्खस हो जाए, तो पता चले कि जो है शहज़ादी की असल खबर कहाँ है। तो आगाए महमूद मरशी नजफ़ी जो आगाए मरशी के वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने 39 दिन जो है यानी मस्जिद सहला में जब इबादत की और 40वें दिन जो है ख़्वाब में आते हैं और आकर यही जुमला कहते हैं अलैका बे करीम अहले बैत, यानी मुड़ो किधर, मासूम खुम की तरफ, यानि मासूम खुम की जहाँ पर जो है मदफून है वहीं पर जो है शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा की कब्र मौजूद है। यानि जिसने जो है मासूम खुम की यानी ज़ियारत करेगा उसे जो है शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अज़ीज़ाने ग्रामी, ये जो है जो ख़्वाब में आकर बयान किए हैं यानि वक्त का इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फ़रजहु शरीफ आकर यही कहा है अलैका बे करीम अहले बैत, यानि करीम अहले बैत की तरफ मुड़ो, वहाँ उनकी ज़ियारत करो। लिहाजा या हम जब भी ज़ियारत के लिए जाते हैं तो ज़ियारत में आप कोशिश ये करें कि जो है एक मरतबा मासूम खुम की नियत से ज़ियारत कीजिए, एक मरतबा जो है शहज़ादी की जो है नियाबत से उनकी यानी वहाँ पर मदफून है इसकी अगर हम नियत करेंगे तो जो है वही ज़ियारत का सवाब हमें मिलेगा। तो अज़ीज़ाने ग्रामी करीम अहले बैत यानि इनका जो है लखब दिया गया है इसी ये एक ज़िम्न में। अज़ीज़ा निगरामी, और भी बहुत से करामात और अज़मतें जो है इस हस्ती के मुतालिक बयान की गई हैं। और उसके बाद आ जाइए दूसरा जो लखब है शफी रोज़े जज़ा। क्या कहा गया है? शफी रोज़े जज़ा। अज़ीज़ा निगरामी, कायनात में दो शहज़ादियाँ ऐसी हैं जिन्हें शफी रोज़े जज़ा कहा गया है, एक शहज़ादी फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरे जो है मासूम खुम को कहा गया है। अज़ीज़ा निगरामी, किस तरीके से शफी रोज़ जज़ा, जब जो है पैगंबर इस्लाम ने जब सैयदा के लिए जब महर की तायिन की जा रही थी तो उस वक्त जो है एक पारचा दिया गया था जो उस पारचे के ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो है ये पारचा तमाम उम्मत के गुनहगारों के लिए ये पारचा जो है शहज़ादी का जो लिखा हुआ है वो जो है शफी बनेगा, ये शफी बनेगा। तो यहाँ से यानी महर में ये तायुन किया गया है, एक रिवायत मौजूद है कि महर में तायुन किया गया कि जो है तमाम जो है यानी हमारे जो चाहने वाले जो भी जिससे भी गुनाह अगर सरजद हो जाए तो मैं उनकी शफी बनूंगी।
इसी तरीके से आप जब जो है यानी मासूम खुम की जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो जब ज़ियारत के फ़िक्रे जहाँ पर एक मकाम पर आता है कि या फ़ातिमा इश्फ़ई ली फिल जन्ना, ऐ फातिमा मेरे लिए शफी करार दे, क्योंकि खुदा के नज़दीक अजमतों में सबसे बुलंद तरीन जो है तेरी तेरा मकाम है, तेरा मकाम है। लिहाजा इन हस्ती को शफी रूज जजा कहा गया है। अजीज़ा निगरामी, अब उसके बाद जो यानि शहजादी मासूम खुम के मुतालिक से जो रिवायात और जो अहादीस हमारे सामने आती हैं, यकीनन ये ऐसी हस्ती है, बाज़ उलमा ने ये बयान किया है कि अगर कुछ भी मुश्किल हो मासूम खुम तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो उलमा इससे वाबस्ता है, जो दफन है, अगर उनसे सवाल कर दिया जाए वो लोग हल कर देंगे, क्योंकि उन्हीं से ये मुंसलिक है। इसीलिए कहा गया है क्या यानी ये उलूम उश्श आले मोहम्मद कहा गया है, यानी आले मोहम्मद का ऐसा यानी आशियाना है जहाँ पर जो है तमाम जो है आज एक मरकज़े इल्म कायम हुआ है। इसी वजह से खुम को जो है छोटा कूफा कहा गया है, छोटा कूफा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे उलमा हमारे सामने नज़र आ रहे हैं जो यहीं के यानी इल्म हासिल कर कर आज दुनिया में हर जगह यानी मासूम खुम के जवार से इल्म हासिल कर कर जने यानी इल्म के मराकिस को फैला रहे हैं। जिस तरीक़े से उनके वालिद मोहतरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने, अज़ीज़ान गिरामी आप दुरूद तूसी में देखिए यहाँ पर जो मेहराब में जो लिखा हुआ है अल उलूमुल काज़िमिया कहा गया है, अल उलूमुल काज़िमिया कहा गया है। हम जब भी जो है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से आपकी ज़िंदगी कसरत से कहाँ गुजरी है, क़ैद खाने में गुजरी है, लेकिन क़ैद खाने में रहते हुए उलूम को जिस तरीक़े से फैलाया है ये यही अहले बैत की हस्तियाँ कर सकती हैं। तो वही सिफत जो है मासूम खुम में भी मौजूद है, वही सिफत मासूम खुम में मौजूद है। अज़ीज़ा निगरामी, बस मैं आपके जहनों को जो है मोड़ते हुए इतने करामात आपके मौजूद हैं, एक आलम दीन के बेटी बिल्कुल मरीज़ हो गई थी और मरीज़ होने के बाद आखिरी वक्त आ गया था और दवाखाने लेके जा रहे थे। जैसे ही दवाखाने पहुँचे रास्ते में हरम में मासूम खुम की ज़ियारत इस आलम दीन की निगाह पड़ी। एक मरतबा इस आलम दीन ने करीम अहले बैत किताब है उसके अंदर ये वाक़या मौजूद है, आप मुलाहजा कर सकते हैं। जब वो आलम दीन अपने बच्ची को दवाखाने लेकर जा रहे थे एक मरतबा इन्होंने कहा ऐ करीम अहले बैत आप ही शिफा दीजिए। बस दिल की गहराइयों से उन्होंने मासूम खुम से वसीला किया। अब उसके बाद जब ज़ियारत यानि दवाखाने से पलटे हैं तो क्या देखा कि जो है इनकी बेटी जो है अपने कदमों पर खड़े हो जाती है, यानी ये वो हस्तियां हैं। अगर हम
یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر ہم وسیلہ ہم اختیار کریں گے تو ضرور ہماری دعائیں مستجاب ضرور بالضرور ہو جاتی ہیں اور یقیناً ہو رہی ہیں. لیکن اہل بیت اور خدا بھی بہتر جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے, کس کے حق میں کیا چیز بہتر ہے. لیکن عزیزان گرامی, جن اہل بیت کے گھر اور خاندان والوں نے لوگوں کو اتنا جو ہے سب کچھ عطا کیا, لیکن انہی کے اہل بیت کے گھرانے والوں پر ایسے ایسے مصیبت جو ہے ڈھائی گئی ہیں. عزیزان گرامی, بہن اور بھائی کا رشتہ بہت ہی قیمتی اور جو ہے مضبوط اور جو ہے مہر والا جو ہے رشتہ ہوتا ہے, چاہے بھائی بہن میں ہوں یا بہن بھائی میں ہوں, ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. وہی چیز, وہی تڑپ معصوم خم میں بھی نظر آئی, یعنی ایک سال کی جدائی معصوم خم نے برداشت نہیں کیا اور وہ اپنے جد سے مخاطب ہو کر, اپنے بابا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, بابا عید آ گیا ہے لیکن میرے پاس بھائی موجود نہیں ہیں. بابا خوشیوں کے دن آ رہے ہیں, میرے پاس بھائی موجود نہیں ہیں. یعنی بھائی اور بہن کی تڑپ نے معصوم خم کو جو ہے یعنی رخت سفر کو باندھنا پڑا. معصوم خم چلی, جب چلنے لگی تو مقام ساوا پر ظالم ہارون رشید نے, اس وقت کے بادشاہ نے کیا کیا کہ تقریباً حملہ کروانے کر آیا, فوج کو بھیجا اور بھیج کر انہیں مارنے کی پوری جو ہے کوشش کی. اور جب وہاں پر جو ہے انہوں نے مارا تو ان کے کئی بہنیں انتقال کر گئی اور کئی بھائی انتقال کر گئے تھے. اور اسی وقت کیا ہوا کہ معصوم خم کو بھی ایک تازیانہ ایسا مارا کہ معصوم خم کے اوپر وہ زہر بھرا تازیانہ جب ان کے اوپر گرا تو زہر کا اثر جو ہے شروع ہو گیا. اسی وجہ سے کہا گیا ہے معصوم خم کو جو ہے وفات نہیں بلکہ شہادت واقع ہوئی ہے. اب اس یعنی امام کی ملاقات, بھائی سے ملاقات کی تڑپ سے اب معصوم خم چلنے لگی. اب جیسے ہی چلنے لگی ایک مقام پر خم, ایران سے قریب خم جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے چاہنے والے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے امام کے چاہنے والے موجود ہیں, آپ ایک دن کے لیے ایک رات یہاں پر قیام کر لیں. تو عزیزان گرامی, اس وقت جو ہے معصوم خم نے کہا نہیں, میں اپنے بھائی سے جلد میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں. یہ کہہ رہی تھی لیکن اتنا اصرار بڑا کہ معصوم خم نے کیا کیا, وہیں پر جو ہے یعنی اپنا قیام کیا. تو عزادارو, جیسے ہی اس وقت اس دور کا جو یعنی اس خم کے جو بزرگ ترین ہستیاں تھے وہاں سے معصوم خم کے قریب تشریف لے کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے معصومہ, آپ ہمارے جو ہے درمیان آ رہی ہے, ہمارے لیے بائی سے خوش نصیب ہے کہ آپ کی خدم مبارک ہماری طرف آ رہی ہے. ایک مرتبہ جو ہے یعنی تمام خم کو جو ہے سیاہ پرچموں سے جو ہے سجایا گیا اور عزادارو, جیسے ہی معصوم خم نے یعنی سیاہ پرچموں کو دیکھا, اب جو ہے معصوم خم سے رہا نہیں گیا کہ آخر
क्या वजह है कि तमाम शहर खुम में सियाह परचम लहराए गए हैं। हाँ आज़ादारो, वो वक्त भी आया कि एक मकाम पर जिसे मासूम खुम जहाँ पर इबादत करती थी, जिसे बैतुन नूर कहा जाता है, मासूम खुम वहीं पर कई दिन तक यानी इबादत करते जा रही थी। लेकिन आज़ादारो, जैसे ही इबादत कर रही थी कान में एक आवाज़ आती है, हाय इमाम रज़ा कत्ल कर दिए गए, हाय इमाम रज़ा शहीद हो गए। हाँ आज़ादारो, के जैसे ही ये सुनना था कि मासूम खुम जो है रहा नहीं गया, कनीस को बुलाती है और बुलाकर पूछती है, आखिर तुम क्या कह रही हो कि इमाम रज़ा कत्ल कर दिए गए, इमाम रज़ा शहीद कर दिए गए, आखिर तुम क्या कह रही हो। जैसे ही ये कहा कि हाँ हम यकीनन यही कह रहे हैं कि आपके भाई सामरा में उनको जहर देकर शहीद कर दिया गया है। जैसे ही ये सुनना था, मासूम खुम यानी जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। मैं दोनों हाथों को जोड़कर कहूंगा, ऐ मासूम खुम, आपने सिर्फ सुना है कि आपके भाई इस दुनिया से गुजर गए हैं तो आप बेहोश हो गई है, लेकिन जरा करबला के मैदान में आइए, ज़ैनब है एक मकाम से देख रही है, शुम्र मलून खुंद खंजर लेकर हुसैन को ज़िबा करते जा रहा। जज़ाकुम रब्बकुम। हाँ अरबाब अज़ा, ये एक भाई और बहन की मोहब्बत है। हाँ आज़ादारो, रिवायतों में और भी यानी बहन और भाई की मोहब्बतें नज़र आती है। आप जानते हैं वो कौन बीबियाँ हैं? एक बीबी जो यानी मदीने में ज़िंदगी गुजार रही थी, जिसका नाम सुगरा बयान किया जाता है। हम सुगरा ने भी अपने भाई के इंतज़ार में यही दिन काट रही थी कि मेरे भाई अली अकबर आएगा, मुझे करबला लेकर जाएंगे। लेकिन हाय आज़ादारो, वो वक्त आता है, खासिद को बुलाया और बुलाकर ये ख़त दिया और ख़त देकर रवाना करती है और खासिद से कहती है, ऐ खासिद, जब तुम करबला पहुँचो, देखो कि मेरे बाबा के आजू बाजू एक तरफ अब्बास होंगे और दूसरे तरफ अली अकबर होंगे, और जो बीच में बुजुर्ग हस्ती होगी वही मेरे बाबा हुसैन होंगे, उनको ये खत हवाले कर देना। हाय आज़ादारो, खासिद चला, जब रूसे आशूरा पहुंचा, मख्तल में तमाम लाशें बिखरे पड़े हुए थे, लेकिन एक ज़ईफ शख्स है, एक लाशा पड़ा हुआ है। एक मर्तबा खासिद आया, सलाम कहता है, सलाम का जवाब मिला। खासिद ने सुगरा का खत एक मर्तबा हुसैन के हवाले कर दिया। हुसैन ने खत को लिया, एक मर्तबा उस खत को अकबर के लाशे पर रख दिया और उठाकर थोड़ी देर के बाद, ऐ आखा, ऐ हुसैन, आपने खत का जवाब नहीं दिया। हुसैन ने कहा, ऐ खास, इसके ऊपर जो खून लगा हुआ है यही जवाब है। आज़ादारो, बस मैं मजलिस तमाम करूं कि वो वक्त भी आया कि मासूम खुम आज ही की शब थी जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है। दो फर्द आते हैं और आकर मासूम खुम को यानी गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं और तशिए जनाजा और उसके बाद खबर को जो है बाबुल में लेकर जाकर वहीं पर खबर के हवाले कर देते हैं। मैं दोनों हाथों को जोड़कर अर्ज करूंगा कि बेटा मौजूद था जो अपने यानी अपने जद के अपने मासूम खुम को दफनाने के लिए वो मौका मौजूद था, लेकिन मैं कहूंगा कि एक शहजादी आज भी यानी करब यानी जन्नतुल बखी में
एक ऐसी बीबी है जिसके यानी सर के ऊपर आज कोई साया नहीं है, लेकिन मासूम खुम के रोज़ा इतना शानदार बना हुआ है। लेकिन हाय रे फातिमा, जिसके कब्र के ऊपर ना ता यानी साया मौजूद है, ना कोई चराग जलाने वाला मौजूद है। शायद इमाम जमाना यही कह रहे हैं, ए जद्दे मा जद्दा, मैं आपके आपके लिए आंसू बहा रहा हूँ कि आपके कब्र पर साया मौजूद नहीं है। سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصدوں کو قبول فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا اس خلیل عزاداری کو قبول فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہم تمام مومنین اور مومنات کو شر شیاطین سے محفوظ فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا ہمیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا جو جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما پروردگار تمام مراجع اعظم علماء کرام تمام ذاکرین اکرام علماء دینیہ علماء اللہ کی حفاظت فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما پروردگار آزاداری اور آزاداروں کی حفاظت فرما پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا جل صاحب الزمان کا ظہور فرما ہم کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ماتم حسین Yeah.
भाई का सैयद मान
السلام عليكم يا